सो हेलो बडीज, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ त्र्यंबक गांव के तीन मुख्य स्थल। पहला त्र्यंबकेश्वर मंदिर, दूसरा खुशावत कुंड और तीसरा ब्रह्मगिरी पर्वत। और ब्रह्मगिरी पर्वत पे मैं आपको बताऊंगा जटा मंदिर। सो ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फादर एंड सन। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको मेरे और मेरे पापा की तरफ से। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर, जो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने पहले भी बताया कि आज हम आपको क्या क्या टूर करवाने वाले हैं। तो हम आज के त्र्यंबकेश्वर के ओल्ड गेट पे, ये पहला गेट है उनका जो एकदम पुराना है और पहले ये गेट बना था। और यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कि VIP एंट्री से लेके सब इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि यहाँ पे आप कैसे घूम सकते हो और आपकी VIP एंट्री के क्या चार्जेस रहेगी, और अगर आप प्री एंटर हो रहे हैं तो आपको कहाँ से जाना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गाँव में स्थित है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर का मंदिर 40 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से 170। और ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और ये ज्योतिर्लिंग का स्थान 8वें नंबर पे है। तो आप लोग जो हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये है VIP टिकट काउंटर और उसकी प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप यहाँ से 200 रुपीज़ पर पर्सन लेके इसके सामने जो एक गेट बना हुआ है, जो ओल्ड गेट है, जिसके लिए पहले सबको यहाँ से ही एंट्री हुआ करती थी, लेकिन अभी उन्होंने एंट्री बंद कर दी है और यहाँ पे सिर्फ VIP के लिए एंट्री बना दी गई है। तो ये गेट से आपको एंटर होना होगा, जो उत्तर महाद्वार लिखा हुआ है। तो अगर आपको फ्री में एंटर करना है तो उन्होंने नया पैसेज बनाया हुआ है, नया गेट एंट्रेंस बनाया हुआ है, आपको वहीं से जाना रहेगा। और वो वहाँ से थोड़ा ही दूरी पर, तो आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ पर है। तो मंदिर के पास में ही आपको चप्पल स्टैंड देखने को मिल जाएगा, जिधर आपको अपनी चप्पल रख देनी है। तो मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको फूल और माला की काफ़ी सारी शॉप देखने को मिल जाएगी, जिधर से आप फूल और माला ले सकते हो और भगवान को चढ़ा सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर के न्यू गेट के पास, जिधर से आपको फ्री एंट्री मिलेगी। और ये गेट श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। तो ओके एवरीवन, अभी आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं हमारे मुख्य द्वार पे। नया द्वार है ये, जो इन लोग ने अभी अभी बनाया है, और इधर से ही आपको फ्री एंट्री रहेगी। आपको अगर VIP एंट्री से नहीं जाना है, अगर फ्री एंट्री से आना है तो आप यहाँ से आ सकते हैं। हम VIP एंट्री में नहीं गए बिकॉज उधर लाइन नहीं थी, और अगर आपको भी लाइन नहीं दिख रही है तो उधर से मत जाना, इधर से आप इजीली जा सकते हो, कुछ देरी नहीं लगने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 मिनट इतना तो आप कोई भी वेट कर सकता है। तो अभी जाते हैं अंदर, और अंदर शूट नहीं करने देते हैं, तो हम आपको थोड़ा थोड़ा शूट करके हम आपको टेक्स बता देंगे कि अंदर सब कैसा है और दर्शन कैसे होते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर की महत्व ये है कि यहाँ पे ब्रह्म, विष्णु और महेश एक ही लिंग में स्थापित है, इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, और ये मंदिर जो बना है पूरे काले पत्थरों से बना हुआ है, और इसका निर्माण करवाया था बाजीराव पेशवा ने 1750 में, और उसको बनने में कुल 31 साल लगे थे और कुल खर्च 16 लाख का आया था। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के सभा मंडप में, और आप देख पा रहे होंगे कि ये मंडप काफी बड़ा एंड काफी खूबसूरत है। तो मंदिर के अंदर आते ही अपने को बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो काफी पंडित लोग यहाँ पे पूजा करवाते हैं, और वो आपको उधर ही पूछेंगे कि अगर आपको भी पूजा करवानी है तो आप उधर करवा सकते हो। तो यहाँ पे हर सोमवार को शिवलिंग पे एक मुकुट चढ़वाया जाता है, और ये जो आप मुकुट देख रहे हो
वही मुकुट हर सोमवार को शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पे बहुत वक्त पहले एक गौतम ऋषि करके साधु रहा करते थे। उनसे गलती से एक गौ हत्या हो गई थी और वो गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने महादेव जी की गौ तपस्या की और महादेव जी उनकी गौ तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम ऋषि से वर मांगने को कहा और गौतम ऋषि ने वर में मांगा कि आप यहाँ पे ही विराजमान हो जाए और महादेव जी शिवलिंग के रूप में यहाँ पे ही विराजमान हो गए। ये कहानी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की और इसी कहानी में जुड़ी हुई है माँ गंगा गोदावरी की कहानी जो अभी आगे हम आपको सुनाएंगे। हर हर महादेव। अभी हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर का दूसरा सबसे महत्व स्थल है जिसका नाम है खुशावत कुंड और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 200 या 300 मीटर की ही दूरी पे है। तो ये जो कुंड आप देख रहे हो उस कुंड का नाम खुशावत कुंड है और इस कुंड में साक्षात गंगा गोदावरी माता बसी हुई है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले यहाँ पे लोग स्नान करते हैं खुशावत कुंड में। खुशावत कुंड में स्नान करने के बाद ही लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। नासिक में 12 साल में एक बार लगने वाला कुंभ मेला, उसका शाही स्नान खुशावत कुंड में होता है। तो खुशावत कुंड में माता गोदावरी माँ कैसे प्रकट हुई उसके पीछे एक इतिहास है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत से माता गोदावरी बार बार विलुप्त हो जा रही थी क्योंकि उनको महादेव जी की जटा से बाहर नहीं आना था। तो महादेव जी ने अपनी जटा ब्रह्मगिरी पे पटकी थी और उधर से गोदावरी माँ को प्रवाहित किया था और प्रवाहित होने के बाद माता गोदावरी जमीन के अंदर से बहती हुई यहाँ पे प्रज्वलित हुई। तो त्र्यंबकेश्वर आ रहे हो तो यहाँ पे एक बार स्नान करने के लिए जरूर आइए। तो खुशावत कुंड के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर। खुशावत कुंड के बाद अब हम जा रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पे और ब्रह्मगिरी पर्वत से पहले ही आपको बाबा निवृत्तिनाथ समाधि टेम्पल मिल जाएगा तो आप यहाँ पे भी दर्शन जरूर से करें। तो वीडियो से कहीं जाएगा नहीं गाइस क्योंकि अभी हम आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं। तो आफ्टर ऑल अब हम आ चुके हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पे। पीछे से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है और कुछ 5 या 4-5 घंटे लगेंगे आपको पूरा ट्रैकिंग कंप्लीट करने में। ऊपर से लेके नीचे आने तक में दर्शन वर्शन के साथ आपको 4 या 5 घंटे लगेंगे। ये हमने एक बंदे लिए 15 रुपये चार्जेस है और ऊपर काफ़ी सारे बंदर होने के कारण भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी वरना टोपी वोपी बैग वैग सब खींच लेंगे वो लोग। तो शुरू करते हैं अपनी ब्रह्मगिरी की ट्रैकिंग। तो ब्रह्मगिरी की चढ़ाई से पहले हम आपको ये टाइमिंग दिखा देते हैं जो आपके लिए भी इजी रहेगा ब्रह्मगिरी चढ़ने के लिए। तो सुबह से 8 से 6 बजे तक आप ट्रैकिंग कभी भी कर सकते हो क्योंकि 8 से 6 में आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। 8 से 6 के बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का थोड़ा सा खतरा रहता है क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया है इसीलिए। तो ये जो आप मैप देख रहे हो वो ब्रह्मगिरी का मैप है और सबसे पहले हम यहाँ से जा रहे हैं माता गोदावरी के उद्गम स्थल पे। फिर उद्गम स्थल से हम जाएंगे जटा मंदिर की ओर जिधर महादेव जी ने अपनी जटा पटक कर माता गोदावरी को प्रवाहित किया था। तो ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ते समय आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स देखने को मिल जाएगी जिधर से आपको पानी की बॉटल मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय गंगे गोदावरी। तो यहाँ की चढ़ाई अभी काफी इजी थी, इतना हार्ड नहीं था, हम इजीली चढ़ पा रहे थे एंड यहाँ का नेचर भी काफ़ी अच्छा था इसीलिए नेचर देखते देखते हम चढ़ते जा रहे थे। बट अगर आप आ रहे हो ब्रह्मगिरी पे तो ट्राई करें कि मॉनसून सीजन में आओ, तब ये सब चीज़ ज़्यादा हरी भरी हो जाती है। ब्रह्मगिरी चढ़ते हुए आपको एक रास्ता मिलेगा जो ये रास्ता जाता है
गंगा द्वार की तरफ, लेकिन हम अब वहाँ पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे सामने जो ये लड़का बैठा हुआ है वो पूरी तरह से थक चुका है और उसके बच गए 12। तो हम पहले आगे की तरफ बढ़ते हुए हम खाली ब्रह्मगिरी खत्म करेंगे। तो ब्रह्मगिरी चढ़ते चढ़ते आपको ऐसे काफी सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, पर ये सबसे पहला मंदिर है मुक्ता देवी माता का। तो मुक्ता देवी मंदिर के बाद आपको थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ाई देखने को मिल जाएगी जिधर आपको ज्यादा थकान नहीं होने वाली। तो अब बाड़ी आ चुकी है ये मेन चढ़ाई की, यहाँ से सीढ़ी चढ़ाई है और थोड़े ज्यादा ही स्टेप्स बड़े रहेंगे, तो ये चढ़ाई शांति से चढ़नी है और यही बीच में आपको बंदा देखने को मिलने वाला है। बैग भी उठा के लेके जा सकते हैं, तो बैग ना आगे की तरफ कर देना, देखो पापा कर रहे ऐसे। और ये ऐसा करना है, याद रखना हाँ? सही पकड़े हैं। तो धीरे धीरे आपकी चढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती जाएगी और आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बंदर है और ये बंदर बहुत ही खतरनाक है, तो एक लकड़ी जरूर ले लेना क्योंकि इधर बंदर बहुत ही खतरनाक है एंड वो लोग काफ़ी परेशान करते हैं, तो उनको आप लकड़ी से डरा सकते हो। और ट्राई कीजिएगा कि आप बैग ना ले जाओ क्योंकि बंदर बैग को देख के आप पे हमला करने की कोशिश करते हैं। तो बंदरों से बचने के बाद अभी ये गाड़ी आती है पहले गेट की और ये गेट से चढ़ाई थोड़ी और हार्ड हो जाती है आपकी। और बारी आती है अब दूसरे गेट की, और समझ जाओ अगर आपका दूसरा गेट आ चुका है तो आप ब्रह्मगिरी के टॉप पे पहुंच चुके हो। और दूसरी गेट की सीढ़ी 30 या 40 ही है बट वो थोड़ी और हार्ड हो जाती है, और ऊपर पहुँचने के बाद आपको बहुत ही प्यारे व्यूज दिखने वाले हैं। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से त्र्यंबक गांव काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है एंड काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ ऊपर पहुंचने के बाद, एंड काफ़ी ठंडी हवा होती है ऊपर। तो यहाँ पे अपनी चढ़ाई ख़त्म होती है और ब्रह्मगिरी जाने का रास्ता आप देख सकते हो, हम ऊपर जा रहे हैं ऊपर की साइड और सच्ची में थक गए बट काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो अपनी मेन चढ़ाई ख़त्म होने के बाद यहाँ से आपको थोड़ी सी कच्ची चढ़ाई रहेगी जो 10 या 15 मिनट की ही है। तो अब हम आ चुके हैं ब्रह्मगिरी के एकदम टॉप वाले पॉइंट पे एंड यहाँ से ही हमको अभी जाना है जटा मंदिर की ओर। यहाँ पे रास्ता भी है तो अभी जा रहे हैं जटा मंदिर की तरफ एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, काफ़ी थक भी गए, आराम से 2 घंटे तो लगे ही है हमको यहाँ तक आने में, प्रॉपर 2 घंटे। और मतलब ऐसा समझो अगर आप सबको मतलब 5 आवर्स में आपकी पूरी की पूरी ट्रिप ये कंप्लीट हो जाएगी जटा मंदिर के दर्शन के साथ। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे गौतम ऋषि जी ने सालों तक तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया था और माँ गंगा गोदावरी का उद्गम किया था। तो अब हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे माता गंगा गोदावरी का उद्गम स्थल है। और आप ये जो मूर्ति देख रहे हो वो गौतम ऋषि की है और गौतम ऋषि ने यहाँ पे ही बैठ के तपस्या की थी। तो आप ये कुंड देख रहे हो, ये कुंड में जो पानी है वो माँ गंगा गोदावरी का जल है। तो ये जो 3 पेड़ है वो 3 पेड़ का माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के है, और गौतम ऋषि ने जब महादेव जी की तपस्या की थी और गंगा गोदावरी को उपगम किया था तो ये 3 पेड़ उसके साक्षी है।
तो गोदावरी माँ का उद्गम स्थल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं जटा मंदिर की ओर। तो जटा मंदिर माता गोदावरी के उद्गम स्थल से 4 या 5 मिनट की दूरी पे है। तो अब हम आ चुके हैं जटा मंदिर पे। ये वही मंदिर है जहाँ पे महादेव जी ने अपनी जटा पटकी थी और जटा पटकने के बाद गंगा गोदावरी जी को प्रवाहित किया था। और आप ये जो निशान देख रहे हो वो महादेव जी की जटाओं के, जिधर महादेव जी ने अपनी जटा पटक कर माँ गोदावरी को प्रवाहित किया था। तो जटा मंदिर सब आपको प्रॉपरली दिखा दिया है। अभी हमने भी जो मेन पॉइंट है वो कंप्लीट कर दिए। अभी हम जा रहे हैं नीचे की ओर और आपको बताते हैं कि नीचे पहुंचने में हमको कितनी देरी लगी है। अभी कुछ 1 बज चुके हैं, इधर नीचे जाते समय आपको बताते कि कितनी देर लगने वाली है आपको। तो ब्रह्मगिरी पर्वत से नीचे आते हुए हमको यहाँ पे एक धर्मशाला दिखी और ये धर्मशाला 100 साल पुरानी है और अच्छी कंडीशन में है। तो ये हमारे लास्ट 10 steps ख़त्म करते हुए हम दोनों नीचे उतर चुके हैं और उतरने और चढ़ने में हमको 5 घंटा लगा है। तो आप उसके हिसाब से चलिए कि आपको 5 घंटा मिनिमम लगने वाला, उससे पहले या उसके ज़्यादा वो आपके ऊपर है। पहले तो नहीं उतरेंगे, ज़्यादा ही होगा। 5 तो होना है। 6-7 आप यानी आप ज़्यादा हो सके सुबह में चलना चालू कीजिए, कुछ 9 या 10 बजे, 8-10 कुछ भी आपके हिसाब से। उसके बाद 10 बजे से पहले चलना स्टार्ट कर ही देना और बैग्स कैरी मत कीजिए। हमने ये किया फिर भी हमको प्रॉब्लम हुई है क्योंकि बंदर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं उस टाइम पे। तो बैग्स कैरी मत करना, ये भी आपको बोल दिया, जो है वो रूम में रख देना। ऊपर आपको पानी वानी सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो फिलहाल अभी हम नीचे आ चुके और ये रही हमारी गाड़ी। तो आफ्टर ऑल हम ब्रह्मगिरी चढ़ के उतर गए अभी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आना अपनी फैमिली के साथ एक बार जरूर, न्यू एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा ट्रैकिंग वैकिंग है, आपको सब बताया हमने, दर्शन भी करवाया, क्या दर्शन होने वाले वो भी आपको बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फेवरेट पार्ट या आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में वो कमेंट कीजिए और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। अगर वो जा रहे हो या आप अगर प्लान बना रहे हो या आने का, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद।